इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि HP 12A कार्ट्रिज को किस तरह से रिफ़िल किया जाए। तो यहाँ पे इस कार्ट्रिज को रिफ़िल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टोनर की, जो कि 12A कार्ट्रिज में कंफर्टेबल टोनर होना चाहिए। और इस कार्ट्रिज को ओपन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर की, एक एलाइनर की और एक जो है टोनर रिफ़िल कैप, इस तरीके का होना चाहिए। कैप अगर नहीं है तो आप कोई और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इस टोनर को अपने जो है इस कार्ट्रिज में जो फिल करने के लिए। और इसके साथ एक ज़रूरत पड़ेगी एक कॉटन कपड़ा ले लीजिएगा कोई आप। फटाफट कार्ट्रिज को हम ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरीके से इस 12A कार्ट्रिज को हमें रिफ़िल करना है। अगर आपका टोनर ख़त्म हो चुका है तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने इस कार्ट्रिज को ओपन कर लेना है। कार्ट्रिज को ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं ड्रम के जो है गियर के साइड यहाँ पे देखिए कैप एक आपको मिल जाएगा इस तरीके का। इस कैप के दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद दोनों स्क्रू को रख दीजिएगा साइड में आप। उसके बाद इस कैप को आपको बहुत ही आसानी के साथ ऊपर की तरफ उठा लेना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ जैसे उठाएंगे कैप आपका निकल आएगा। इसको रखिए साइड में। अब ड्रम को आपको गियर की साइड पकड़ना है और हल्का सा ये जो लॉक है इसको आपको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करना है। ध्यान रहे ज़्यादा पुश मत करिएगा नहीं तो टूट जाएगा। ये हल्का सा उठाइएगा जिससे गियर जो फंसा हुआ ये आपका निकल आए। तो इस तरीके का गियर जो है ड्रम का निकल आया बाहर और ड्रम हमारा फ्री हो चुका है एक साइड से। अब उसके बाद यहाँ पे गियर की साइड पकड़ लीजिएगा ड्रम के। अब ये ड्रम ऊपर की साइड हल्का हल्का प्रेस करते रहिएगा, खींचते रहिएगा। ये ड्रम आपका फ्री हो चुका है आपकी कार्ट्रिज से। इसको रख दीजिएगा साइड में। इसके बाद आपको एलाइनर का उपयोग करना है। यहाँ पे एलाइनर को आपको इंसर्ट कर देना है। ये आपका PCR है। PCR के एक साइड आपको प्रेस करके ऊपर उठा देना है कुछ इस तरीके से। ये आपका PCR जो फ्री हो चुका है एक साइड आपको पकड़ के इस तरीके से ऊपर खींच लेना है। इसको भी रख दीजिएगा साइड में। अब यहाँ पे दो पार्ट आपके कार्ट्रिज से निकल चुके हैं। इसके बाद आपको जो है निकालना है इस कार्ट्रिज का लॉक। ये आपका एक लॉक है, एक लॉक आपका ये है। ये दोनों लॉक आपको अंदर की तरफ से इस एलाइनर को पुश करना है। उसके बाद ये लॉक जो है अंदर से पुश करते हुए बाहर की तरफ दबाइएगा जिससे लॉक आपका बाहर निकल आए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अंदर के साइड आपको ये लॉक मिल जाएगा। दोनों साइड देख लीजिएगा जहाँ पर आपको ये लॉक मिल जाएगा। ये यहाँ पर एक लॉक है, एक लॉक आपका यहाँ पर है। यहाँ पर इस एलाइनर को उस लॉक पर आपको प्रेस करना है हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे अगर एलाइनर उस लॉक पे अगर आपका आ चुका है तो उसके बाद इस कार्ट्रिज को आपको जो है फ्लोर पे रखना है, ज़मीन पे रखना है जहाँ भी आप रिफ़िल कर रहे हैं। उसके बाद इस एलाइनर को पुश करना है नीचे की साइड। जैसे देखिए हमने नीचे पुश किया तो ये हमारा लॉक जो है बाहर निकल चुका है, ये देख सकते हैं। अब इस एलाइनर को हम बाहर की तरफ मूव कर लेंगे। ये लॉक हमारा निकल चुका है, अब इसको बाहर खींच लेंगे हम। इस लॉक को रख दीजिएगा साइड में। इसी तरह से जिस लॉक को भी आपको निकाल लेना है, देखिए ये लॉक भी थोड़ा सा मेरा बाहर आ चुका है, इसको भी आपको खींच लेना है। ये लॉक भी हमारा निकल चुका है। अब ये कार्ट्रिज के दोनों लॉक निकल चुके हैं, स्क्रू निकल चुके हैं, कार्ट्रिज हमारी फ्री हो चुकी है। अब ये बची हमारे सिर्फ स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को निकालने के लिए आपको सिंपल सा कार्ट्रिज को इस तरीके से आपको मूव करना है ऐसे। ये कार्ट्रिज आपकी खुल गई है और स्प्रिंग देख लीजिए आपकी ये बाहर आ चुकी है। इस कार्ट्रिज को अलग कर दीजिएगा दोनों पार्ट और ये स्प्रिंग आप उठा के साइड में रख दीजिएगा। अब आपको इस पार्ट को रखना है अभी साइड में और इस पार्ट को पहले क्लीन कर लेना है। इसमें आपका टोनर फिल होगा। इस पार्ट में आपके टोनर के जितनी डस्ट होते हैं वो होते हैं, इसको अभी हम साफ कर लेते हैं। इन दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है। उसके बाद इस ब्लेड को आपको बाहर निकालना है। ब्लेड के स्क्रू खुलने के बाद एलाइनर से हल्का सा जो है ब्लेड ऊपर की तरफ उठाना है आपको और ये बाहर आ जाएगा ये ब्लेड। इसके बाद इसमें जितनी डस्ट होगी उसको आपको नीचे की तरफ प्रेस करके इसको झाड़ लेना है। अब इसको क्लीन कर लेना है कपड़े से। इस ब्लेड को भी आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद इस ब्लेड को वापस से आपको फिट कर देना है। यहाँ भी स्क्रू भी टाइट कर देते हैं। अब इसके बाद इस PCR को आपको इसमें फिट कर देना है। इस PCR को भी हम क्लीन कर लेते हैं। इस PCR को फिट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड आपको ऑप्शन बना हुआ इस PCR को फिट करने के लिए। यहाँ भी वीडियो में देख सकते हैं एक साइड ये है, एक साइड यहाँ पर आपका ये वाइट कलर का है। इन दोनों खाँचे में आपको इस PCR को प्रेस करना है। ये PCR आपका बैठ चुका है दोनों साइड, ये देख सकते हैं। ये पार्ट आपका रेडी हो चुका है तो इसको अभी रखते हैं साइड में। अब इस दूसरे पार्ट को हम उठा के इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मैग्नेटिक राड है, इसके ऊपर आपको ये इस तरह का कैप मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड आपका गियर वाला है और दूसरे साइड विदाउट गियर वाला है। तो विदाउट गियर वाले साइड पर आपको ये कैप आपको ओपन करना है। ये स्क्रू पहले खोल लेना है आपको। उसके बाद इस कैप को आपको ऊपर की तरफ उठा देना है।
जैसे खींचेंगे कैप आपका बाहर निकल आएगा। इसके बाद इस मैग्नेटिक राड को आपको बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही केयरफुली इसको ऊपर उठाना है। जहाँ पे ध्यान रहे ये स्प्रिंग आपकी कहीं रोटेट नहीं होनी चाहिए या टूटनी नहीं चाहिए। इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद इस कार्टेज को हम पूरा क्लीन कर लेंगे, जो भी टोनर होगा उसको जो है निकाल देंगे बाहर। यहाँ पे ये हमारा कैप है टोनर फिलिंग का, इस कैप को निकाल के भी टोनर निकाल लेते हैं इसके अंदर जो टोनर हो। इसके बाद इस पार्ट को हम क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट भी हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब इसको रखते हैं अभी साइड में। इसके बाद इस मैग्नेटिक राड को हम क्लीन कर लेंगे, जहाँ पे दोनों गियर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक वार्सल भी लगा हुआ है, इस वार्सल को भी रखते हैं साइड में। उसके बाद इस मैग्नेटिक राड में लगे टोनर को हम रिमूव कर लेंगे, जितना टोनर लगा है उसको निकाल देंगे। उसके बाद कॉटन से अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे, बहुत हल्के हाथों से करिएगा, यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए आपके इस मैग्नेटिक राड पे। जहाँ पे देख सकते हैं ये रॉड हमारा क्लीन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक साइड वार्सल और गियर को लगा देना है। पहले वार्सल फिट करते हैं, उसके बाद इस गियर को बैठाते हैं। अब दूसरे साइड सिर्फ वार्सल लगा था तो उस वार्सल को लगा देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद इस रॉड को हम वापस से अपने इस कार्टेज में फिट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे ये गियर वाला साइड आपकी इस कार्टेज में गियर वाले साइड पे ही फिट होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आप रखिएगा, इसको हल्का सा रोटेट करेंगे तो गियर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। इसके बाद मैग्नेटिक राड को आपको नीचे की तरफ पुश करना है और यहाँ पे इसको हल्का सा हाथ से दबा लेना है। अब इसके बाद आपको टोनर फिल करना है, उसके बाद इस कैप को आपको बंद करना है। टोनर फिल करने के लिए जो भी आपका टोनर आपने लिया होगा उसको हिला लीजिएगा, जिससे पाउडर जो जमा हुआ हो वो आपका जो है फ्री हो जाए। टोनर रिफिल कैप आपके पास होगा तो उसको कैप को आपको टाइट कर देना है। उसके बाद ये टोनर आपको फिल करना है आपको अपनी कार्टेज में। यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो हमने फिट कर लिया है, इसके बाद ये टोनर आप फिल कर सकते हैं अपने इस कार्टेज में। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर टोनर धीरे धीरे फिल हो रहा है हमारे इस कार्टेज में। यहाँ पे सारा टोनर फिल हो चुका है हमारे इस कार्टेज में। इसके बाद इस टोनर कार्टेज का कैप हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस कैप को लगाने से पहले इस कैप में एक आपका कट पॉइंट बना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक कट पॉइंट बना होगा, तो ये आपका जो है गियर है, इस गियर में ये कैप बैठना चाहिए। ध्यान रखिएगा जिधर की साइड आपका इस कैप में कट पॉइंट बना होगा उधर की साइड ये गियर का कट रहना चाहिए। आप देख सकते हैं गियर में कट बना हुआ है। उसके बाद इस कैप को यहाँ पे इस गियर को जो है इस खाचे में आपको बैठाना है। यहाँ पे ध्यान रहे इसको देखते हुए आराम से बैठाइएगा, हो सकता है वीडियो में आपको ना दिख रहा हो क्लियर। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये कट है, ये हमारा जो है कैप में भी कट बना हुआ था, इस कट में बैठ चुका है। तो ये चीज़ आप उसी डायरेक्शन में कर लीजिएगा जिससे कैप आसानी से आपका बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू कस लेना है आपको। ये फिल होने के बाद यहाँ पे आपको इस रॉड को मूव कर लेना है इस साइड, कुछ तरह का आपको कार्टेज रखना है, इस तरह आपको कार्टेज पकड़ना है। उसके बाद इस गियर को आपको मूव करना है ऊपर की साइड, फिर कार्टेज को हल्का सा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आपको मूव कर लेना, जिससे टोनर जो है सारी जगह आपका एडजस्ट हो जाए। फिर देखिएगा यहाँ पे कहीं पे भी आपका देखिए लाइनिंग नहीं आ रही है, मतलब कहीं भी प्रिंट आउट आपका नहीं छोड़ने वाला है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा, कहीं लाइनिंग आ रही है तो मतलब आपका मैग्नेटिक राड कहीं ना कहीं जो है लाइनिंग देगा वो खराब होने वाला है। ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है और कार्टेज हमारी फिल हो चुकी है। अब इस दोनों पार्ट को हम जोड़ लेते हैं आपस में। दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए ये आप देख सकते हैं, एक पार्ट को आपको कुछ इस तरीके का पकड़ना है और दूसरे पार्ट को कुछ इस तरीके का पकड़ना है। पहला पार्ट जो हमारा कार्टेज का, इस पार्ट में ये दोनों जो है ऑप्शन बने हुए हैं, इन दोनों ऑप्शन को आपको इस दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे और यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे आप इंसर्ट करेंगे ये दोनों आपका जो है पार्ट जो है आपस में जुड़ जाएगा। उसके बाद इस कार्टेज को आपको एक हाथ से पकड़ लेना है और ऊपर की तरफ एक तरफ मूव करना है आपको। फिर यहाँ पे जहाँ से आपने लॉक निकाला था इस लॉक पे आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए लॉक का लगाने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। देखिए दोनों बॉडी आपस में जुड़ेगी तभी आपका लॉक लगेगा, देख सकते हैं आप। इसके बाद इस लॉक को आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद हल्का सा प्रेस कर देना जिससे लॉक पूरी तरह से बैठ जाए। इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी लॉक बैठा लेना है। ये देख लीजिए दूसरे साइड भी हमारी बॉडी बैठ चुकी है। अब यहाँ पे इस लॉक को भी हम प्रेस कर देते हैं, ये दोनों साइड लॉक हमारा बैठ चुका है। उसके बाद ड्रम को क्लीन कर लेते हैं। ड्रम को क्लीन करने के बाद हम ड्रम को भी लगा लेंगे। अगर ड्रम में ज़्यादा लाइनिंग है तो ड्रम आप चेंज कर सकते हैं। इस कैप को आपको डाउन करना है। उसके बाद कार्टेज को हल्का सा दोनों साइड से हल्का हल्का बाहर की तरफ फैलाना है जिससे ड्रम आसानी से बैठ जाए। पहले आपको इस साइड बैठाना है जिससे ये जो है आपका बैठ जाए ये पॉइंट।
या आपको हल्का सा ड्रम को नचाते हुए नीचे की साइड पुश करना है, जिससे ये ड्रम आपका इस खांचे में बैठ जाए। जैसे इस साइड पूरा बैठ जाएगा, इसके बाद इस लॉक को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और ड्रम को नीचे प्रेस कर देना है। ये देख सकते हैं ये ड्रम आपका बैठ चुका है जैसे पहले बैठा हुआ था। उसके बाद ड्रम को हल्का सा पुश करेंगे जिससे ये खांचे में बराबर बैठ जाए। उसके बाद ये कैप आपको लगा देना है। कैप आप देख लीजिएगा, जिधर आपका स्क्रू का ऑप्शन होगा वहीं पर आप कैप लगाइएगा। कैप आप ध्यान से लगाइएगा जिससे आपका स्क्रू करने का ऑप्शन बैठ जाए। देखिए एक नट यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, तो ये दोनों नट के पॉइंट को आपको देख लेना है। ये कैप बैठने के बाद ये स्क्रू भी आपको टाइट कर देना है। अब यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका, सिर्फ आपके एक स्प्रिंग बची। इस स्प्रिंग को कैसे आपको लगाना है, स्प्रिंग को देखिएगा, जहाँ पे ड्रम जो है, ड्रम का एक साइड पे गियर है, एक साइड पे विदाउट गियर है। तो यहाँ पे इस साइड पे आपको विदाउट गियर वाले जगह पे आपको यहाँ पे एक लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको स्प्रिंग रखना है, यहाँ पे आपको एक लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे एक साइड बैठेगा आपका, दूसरे साइड आपको यहाँ पे जो है आपको ड्रम की स्प्रिंग को यहाँ पे बैठाना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे हाथ से जो है यहाँ पे दबा लेना, जिससे ये स्प्रिंग निकलने ना पाए एक साइड। उसके बाद एलाइनर का जो है आपको उपयोग करना है। यहाँ पे स्प्रिंग को इस तरह से आप पकड़िएगा, उसके बाद खींचते हुए आपको जो है इस खांचे में बैठा देना है। ये देख सकते हैं ये दोनों लॉक हमारा बना हुआ है, दोनों लॉक में हमने बैठा दिया है। अब ये कार्टेज आपकी रेडी हो चुकी है। इस ड्रम को हल्का सा नचा के आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस कार्टेज को अपने प्रिंटर में लगा कर देख लीजिएगा कि आपका प्रिंट आउट कैसा आ रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरीके से HP LaserJet 12A कार्टेज को आपको जो किस तरह से रिफ़िल करना है। रिफ़िल करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टोनर की, एक स्क्रू ड्राइवर की, एक एलाइनर की, और एक टोनर फिल करने के लिए कैप की, और एक कॉटन की। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने जो जो स्टेप इस वीडियो में बताया उसी स्टेप को फॉलो करने के बाद इस कार्टेज को बहुत ही आसानी से आप फिल कर सकते हैं घर बैठे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि आपके लेके आते रहते हैं अक्सर ऐसे नई नई वीडियो जिससे आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से, वो भी बिल्कुल फ्री में, हमारे वीडियो को देख के आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।